सो हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, इट्स 11 AM राइट नाउ। आई जस्ट वोक अप एंड हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई डे विथ स्टार्टिंग फिजिक्स लेक्चर। 9 AM से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, बट मैं 2 घंटे लेट जगता हूँ। सो मैं 2 घंटे लेट स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखता हूँ सभी का सभी। और मैं फिजिक्स में फॉलो कर रहा हूँ MR सर को। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप MS सर को फॉलो करते हो MR सर को। सो मैं बताऊं तो मैं MS सर का नोट्स फॉलो करता हूं और MR सर के लेक्चर। तो आप सोच रहे होंगे मैं MS सर का नोट्स कैसे फॉलो करता हूं। सो जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था, सो उसमें मैंने जो है MS सर से पढ़ा था। सो MS सर का नोट्स है मेरे पास कुछ चैप्टर पे, लाइक SHM एंड वेव में। तो सर को अभी चल रहा है SHM एंड वेव, तो इस चैप्टर को मैंने बहुत पहले अच्छे से पढ़ा था MS सर से। सो मैं उसी के नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि क्या आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि MR सर की ट्रिक तो अलग होती है, फिर MS सर ने आपको कुछ अलग तरह से पढ़ाया था। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो तो आप खुद से ही सेग्रीगेट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक, कौन सा ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है, कौन से टॉपिक कैसे आपको समझनी है। बींग ए ड्रॉपर इतना तो हमें आता ही है कि कौन सा टॉपिक को किस टाइप से पढ़ना चाहिए, इतना तो समझ आ ही गया ना इतने सालों से पढ़ पढ़ के। अगर जिनको अभी भी नहीं आया तो बस आप टीचर को फॉलो करते जाओ, जैसा सर बता रहे हैं वैसा ही फॉलो करते जाओ। एक टीचर को फॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, मैं नहीं चाहता फिर से नोट्स बनाना। सो यहाँ पे मैंने किया फिजिक्स का आधा लेक्चर कंप्लीट, बट आधा लेक्चर करने के बाद मुझे नींद आने लग गई है, पता नहीं कैसे ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी कि फिजिक्स का लेक्चर आधा करो उसके बाद फिर नींद आने लग जाती है। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ अभी केमिस्ट्री का लेक्चर या फिर बायो का लेक्चर। बायो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सो उसमें थोड़ी सी नींद कम आएगी और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो अभी पहले जल्दी से बायो का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। सो अभी मैं कर रहा था फिजिक्स के लेक्चर, बट पता ही आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। सो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। सो मैं इस टाइम में क्या करता हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं करता खुद के साथ कि मैं लेक्चर देखते रहूँ, समझ आए ना आए, ऐसा नहीं है। मैं लेक्चर को बंद कर देता हूँ, मैं फिर दूसरा लेक्चर स्विच कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया बायो करना, लाइक बायो जल्दी जल्दी से कम्प्लीट हो जाएगी और थोड़ी सी नींद भी भागी रहेगी दूर दूर। बायो में तो नींद नहीं आती, फिजिक्स में नींद आ जाती है। सो मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। बाद बाकी सबके लिए अपना अपना होता है कि उन्हें जैसा कंफर्टेबल लगे। कोई लोग क्या करते हैं कि लेक्चर देख लेते हैं फिर बाद में नोट्स बना लेते हैं, या कभी कभार नींद आ जाती है तो वो सो भी जाते हैं। तो हाँ, आपको सो लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन क्लास में एक प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा कि बैठे बैठे हमारा बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, हमें लगता है कि नहीं अब नहीं बैठा जाएगा और हमारा लेक्चर बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक चलता है। सो इस चीज़ों को कैसे अवॉइड करता हूँ मैं, तो लेक्चर में जब भी कंप्लीट करने बैठता हूँ उससे पहले ही मैं 10-15 मिनट का क्या करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, बाहर बाहर घूम लेता हूँ, फिर बैठता हूँ आराम से। और जैसे ही एक लेक्चर ख़त्म होता है तो मैं 10-15 मिनट का फिर से ब्रेक ले लेता हूँ और थोड़ा सा मूवमेंट रखता हूँ अपनी बॉडी में। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कुछ रिविजन कर रहा हूँ या फिर पढ़ ही रहा हूँ, कुछ मूवमेंट कर लेता हूँ सो डैट कि हमारी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। सो गाइज, आफ्टर माई लंच मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर। और लेक्चर हमारे पढ़ा रहे हैं पंकज सर। सो पंकज सर से मैं अभी पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, और अभी हमारे चल रहा है GOC का लेक्चर नंबर 4 है आज। और अभी पंकज सर से मैं जल्दी जल्दी इस लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर आपको नहीं देखने का मन करता है कि चलो नोट्स से ही पढ़ लेते हैं, नोट्स में तो पढ़ा ही है पिछले साल, इस साल भी नोट्स से ही पढ़ लेते हैं। बट मैं क्या करता हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि नोट्स से भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी लेक्चर देख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर आपको लेक्चर देखनी ही चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है नोट्स से, तो आपको पक्का लेक्चर देख ही लो किसी तरह से टाइम निकाल के। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आप मैनेज कर सकते हो नोट्स से, सो ऑब्वियसली हमें टाइम बचाना ही चाहिए। कुछ ऐसे लेक्चर थे कि जिसमें मुझे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी निकालने में दिक्कत हो रही थी GOC में, सो मैं उसका लेक्चर भी देख लेता हूँ। और मैं बताया था कि मैंने नोट्स इस बार फिर से बना रहा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जो नोट्स बनाया था वो ऑफलाइन नोट्स थे, सो मुझे थोड़ा सा कम समझ आ रहा था उससे, सो मैं उसी से कर रहा हूँ। और आफ्टर डैट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन करना, जो कि डोपा देते हैं तरुण सर, जो कि इवनिंग का टाइम हो जाता है, सो मैं डोपा जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे।
सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना मुझे कि डेली का काम डेली डेली कर लिया करो, मतलब प्रोक्रास्टिनेट मत किया करो कि हाँ आज का काम कल करूँगा। ना क्लास के आगे ज़्यादा जाना चाहिए ना ही पीछे। हाँ अगर कोई टेस्ट आ रहा हो तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ज़रूर चलना चाहिए कि हाँ टेस्ट, अगर ऑफलाइन टेस्ट मैंने ज्वाइन किया हुआ है सो मुझे ऑफलाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो सो कभी कभार मुझे उसके बाहर भी जाके पढ़ना होता है और इसके लिए मुझे थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। ऑब्वियसली मैं इतना इफिशेंटली नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम आती है, बट किसी समहाउ मैं मैनेज कर लेता हूँ किसी तरह से। सो गाइज फाइनली ऑल द लेक्चर्स आर डन और पता नहीं कैसे आज का दिन ही ऐसा है कि मुझे स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद डीपीपी करनी है, बहुत सारे टेस्ट का प्रिपरेशन करने हैं। आज 18 है, 20 को मेरा टेस्ट भी है, सो टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। बायो का मैंने कर लिया था, बस फिजिक्स से मेरा एक चैप्टर बचा हुआ है, एक ही चैप्टर आ रहा है, वही आधा बचा हुआ है, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगा जल्दी से। आफ्टर ए स्मॉल टी ब्रेक मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। सो और मैं डिसाइड कैसे करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए इस टाइम पे, मतलब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो 90% टाइम समझ ही नहीं आता अभी क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े इस टाइप से, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। सो सिंपल है, अगर आपके कोई टेस्ट में कोई चैप्टर ऐसा आ रहा है सो आप पहले वो टेस्ट के चैप्टर को क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लो, और अगर एक दो दिन पहले कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है और उसके क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं करे हैं सो आप उसके क्वेश्चन कर लो। हाँ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने एक बार पहले किए होते हैं फिर भी मन नहीं करता कि बाद में अरे क्या ही करूँ टेस्ट के लिए, तो किया ही था एक वीक पहले, लेकिन नहीं कम टाइम लगेंगे ईजिली हो जाएंगे। सो आपको वो बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। और टेस्ट से पहले ना क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए, मस्ट होती है। अगर आप अच्छे से कर पे जाओगे तो आपका टेस्ट में टाइम बचेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके मार्क्स आराम से इम्प्रूव हो सकते हैं। सो यहाँ पे मेरी हो चुकी है इवनिंग स्टडी सेशन कंप्लीट, और इवनिंग स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने डिनर के लिए। और ऑब्वियसली अगर मैं घर से बाहर रह रहा हूँ और खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा हूँ सो मुझे खुद से ही बाहर जाना पड़ेगा खाने के लिए। और सच्ची बताऊँ तो अभी जो है इस ठंड में बाहर निकलना बिल्कुल ही मन नहीं करता, 7-8 बजे के टाइम में तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। सो अभी मैं आ गया हूँ अपने डिनर के लिए, और आज हमारे डिनर में है रोटी सब्जी मंचूरियन और पास्ता के साथ साथ फ्राइड राइस। सो आफ्टर मैं डिनर में यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन। मैंने बहुत पहले कर रखा था इस चैप्टर को, बाद में रिवीजन मैंने नहीं किया था और फिर से ये टेस्ट में आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू टेस्ट मेरा ये रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें साथ में हो जाए तो बहुत सही रहता है कि रिवीजन भी हो गई और टेस्ट का प्रिपरेशन भी हो गया, इससे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती जाती है धीरे धीरे। सो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन के लिए या रिवीजन के लिए अलग और प्रिपरेशन के लिए अलग बनाना चाहिए। अगर कोई सिलेबस आ रहा है टेस्ट में सेम ही हो रहा है सो उसका रिवीजन और उसका प्रिपरेशन दोनों एक साथ ही आपको कर लेनी चाहिए, इससे आपको जो है एक तो टेस्ट में मार्क भी बढ़ जाएंगे और जो पुराना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं तो वही करता हूँ कि अगर कोई टेस्ट में अगर आ रहा है तो प्रायोरिटी में पहले उसका रिवाइज कर लेता हूँ, ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगाता क्योंकि फिर हम भूलने लग जाते हैं और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एनसीईआरटी का रिवीजन, बिकॉज अगर 3 बज जाते हैं ना तो उसके बाद हमारी थकान थकान सी होने लग जाती है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो इस टाइम में बेस्ट रहता है कि एनसीईआरटी खोल लूँ और एनसीईआरटी का रिवीजन करना स्टार्ट करूँ। एक तो टाइम भी कम लगते हैं, जल्दी जल्दी चैप्टर भी हो जाते हैं और थोड़ी सी नींद भी कम आती है बायो में। मेरा तो यही हैक है कि अगर आपको नींद आ रही है तो आपको सबसे जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट वो पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका मोटिवेशन भी बना हुआ रहेगा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा और चीज़ें भी आपकी हो ही जाएगी। सो इस टेस्ट में आ रहा है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिकुल्स और बायोटेक भी आ रहा था शायद, हाँ बायोटेक भी आ रहा था, मतलब जो भी करंट टॉपिक है और कुछ कुछ बैक पोर्शन पे भी आ रहे हैं सो वो सब। सो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से उसके रिवाइजन कर लेता हूँ। और देखो अगर आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी है या टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, सबसे बेस्ट वे क्या है ना कि उसे आप एक्टिवली पढ़ लिया करो और माइंड में रिकॉल किया करो कि आपको कितनी चीज़ें आती है और कितनी चीज़ें आपने भूल चुके हो।
सो यही सब पढ़ते पढ़ते मेरा बज गया था सुबह के 4, और मैंने सोचा ठीक है जल्दी जल्दी से एक बायोटेक वाला लेक्चर कर लेते हैं, सॉरी बायोटेक वाला चैप्टर कर लेते हैं और फिर हम सो ही जाएंगे। अभी देख सकते हो कि नींद इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो मैं इसे जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो चीज़ आप कमेंट कर दिया करो, सो मुझे पता चले कि मैं क्या बना पाऊँ और मेरा ज़्यादा टाइम ना लगे सोचने में कि मुझे क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। सो आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें, सो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।